सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी बज रहे हैं 10 और मैं अभी नहा के आई हूँ। अपना ब्रेकफास्ट वगैरह हो चुका है, बाकी काम वाम हमने कर लिया है डन, मैंने मम्मा ने मिलके। बाकी अभी हम लोगों ने जाना था बाहर, बाकी बट बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है दबा के, तो देखते हैं फिर कि कब तक जाना है कब तक नहीं। जैसे ही बारिश रुकेगी फिर हम जाएंगे। और मौसम आज अच्छा है तो सोचते हैं कुछ अच्छा अच्छा खाए बनाए। तो यार मैं सोच रही थी ना, इतने टाइम से मैंने मेकअप नहीं किया तो क्यों ना आज मेकअप कर लूँ। बाकी फाउंडेशन वगैरह मैंने लगा दिया है, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है इसलिए। तो काफ़ी लोग मेरे से पूछ रहे थे कि आप कौन सा पैलेट यूज़ करते हैं। तो मैं यूज़ करती हूँ NYB का तो ब्रश एंड हाईलाइटर पैलेट। तो मैं आप लोगों को एक बार दिखा देती हूँ, इसकी पैकेजिंग भी बहुत प्यारी है एंड ये काफ़ी अच्छा है। इसको आप कैरी कर सकते हो और बहुत ज़्यादा क्यूट भी है। और इसके साथ ही साथ इसमें छोटा सा मिरर भी दिया गया जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट है। तो मैं आपको दिखाती हूँ इसमें कौन कौन से कलर्स हैं। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे हाईलाइटर भी दिया गया है और ब्लशर भी दिए गए अलग अलग, जो कि आप अपने आउटफिट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे को तो वैसे पिंक ही पसंद है, ये वाला पिंक कलर मैं यूज़ करूँगी। ब्लशर हो चुका है ऑलमोस्ट डन। और हाँ, एक बार मैं ये सारे कलर्स जो है ना आपको स्वॉच करके दिखाती हूँ कि ये कितने ज्यादा पिगमेंटेड है। और इसकी बेस्ट बात पता मेरे को क्या लगती है कि ये इजीली ब्लेंड हो जाते हैं फेस पे। और देखो कितना ज्यादा अच्छा लगता है, मतलब बिल्कुल नेचुरल सा लाइट सा लुक देता है ये। और इसके बाद मैं यूज करने वाली हूँ हाईलाइटर। मैं ये वाला हाईलाइटर यूज़ करूँगी, हल्का हल्का सा। ज़्यादा वैसे मैं हाईलाइटर यूज़ करती नहीं हूँ, बस थोड़ा थोड़ा सा, ताकि थोड़ा फेस जो है वो थोड़ा सा शाइनी लुक दे। ये बहुत इजीली आपकी स्किन में ब्लेंड हो जाता है। अब करते हैं हम अपना थोड़ा थोड़ा आईज मेकअप, ज़्यादा नहीं करूँगी मैं, बिल्कुल लाइट सा करूँगी मिक्स कर करके। और हल्का सा ये हाइलाइटर लगाऊंगी मैं कॉर्नर्स पे, ताकि थोड़ी सी शाइनिंग शाइनिंग दिखे। ये NYB का पैलेट ना मेरा फेवरेट पैलेट बन चुका है। वाली सेल है 7 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक, जहाँ पे आप ये प्रोडक्ट केवल 9 रुपए में ले सकते हैं। सो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वेट किस बात की कर रहे हैं, जरूर से आए और विजिट करें। तो हम लोग बाहर तो जाए आए थे, अपना काम भी कराए थे, बट इतनी ज़्यादा दबा के बारिश पड़ी कि मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। ना व्लॉग शूट कर पाई मैं बारिश में, और मतलब पूरा सिर भीग गया, बाल मतलब बहुत गंदे गंदे से हो गए बारिश में भीग के, और खुद भी भीग गए, पूरे कपड़े गीले हो गए क्योंकि हम लोग गए थे एक्टिवा पे। और फिर अभी जस्ट आके मैं फिर से नहा के अभी कपड़े वपड़े मैंने चेंज करे अपने, और अब मैं बाल वाल थोड़ा सा सुखाऊंगी क्योंकि ऊपर ऊपर से थोड़े थोड़े गीले हो गए, नीचे से थोड़ा गीले हो गए। और अपना थोड़ा बहुत तो आज स्किन का हल्का फुल्का घर पे ही ट्रीटमेंट करेगी, अपना देसी ट्रीटमेंट तो वो भी कर लेती हूँ। पहले तो हम लोग जा ही नहीं रहे थे, फिर मैंने सोचा कि नहीं यार चलो हम लोग तैयार भी हो गए तो चलते ही है फिर बाहर। और बारिश उस टाइम रुक गई थी, मेरे को लगा कि चलो रुक तो गई है, फिर जाके अपना काम करके आ जाते जल्दी जल्दी, बट बारिश फिर से दोबारा तेज़ होगी। अब नहीं हुई जाना जब बारिश हो रही हो। तो अपना ट्रीटमेंट करने के लिए यहाँ पर मैंने अपना सेटअप लगाया है, ये शीशा यहाँ पर लगा दिया, और एक बड़ा सा बाउल या कुछ भी आप ले सकते हो, उसमें मैंने हैंकी लिया। ऐसे भी प्रोसेस है, मैं आपको दिखा रही हूँ। उसके लिए हैंकी चाहिए, तो एक हैंकी सॉफ्ट वाला मैंने रख दिया है, और ये ब्लैक हेड्स रिमूवल स्टिक ये भी मैंने इसमें रख दी है। तो चलो फेस वॉश कर लिया था, बट फिर भी मैंने हैंकी के साथ थोड़ा थोड़ा गीला कर दिया, टैप 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 करके अच्छे से स्क्रबिंग करूंगी मैं अपने फेस, क्योंकि कभी कभी स्किन बहुत ज्यादा डल हो जाती है, तो इन्हें मैं एक बार अपनी स्किन केयर करना जरूरी है, वो भी घर पे, क्योंकि मैं बाहर वैसे कम समय कराती हूँ। अब लगाऊंगी मैं अपने फेस पे जेल, कितना ठंडा ठंडा मजा ही आया। Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and that better. बाहर हो रही है बारिश, जैसे मैंने आप लोगों को बोला ही था, तो हम लोग बना रहे हैं कचौड़ी, क्योंकि बारिश में कचौड़ी खाना बहुत अच्छा लगता है। मम्मा बना रहे हैं इमली की चटनी। कैसे बनाएंगे? एक तो इमली, दो चम्मच डाली है ना गुड़ की पीस के, हाँ थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी मिर्च, स्वाद अनुसार। अच्छा फिर गड़ने देना, एक गिलास पानी डाल के उसको कर देना। अच्छा जब ठंडा हो जाएगा बस फोन लो। और यहाँ पे मैदा जो है मैंने वो गूंद लिया है, ये देखो ये थोड़ा सा पोला पोला होने देना है,
फिलिंग भरेंगे हम ये वाली दाल की। ये देखो ऐसे मैंने भी वो ने डाली थी तो पक ही गई है। हल्का सा सेक लगाना है तो यहाँ पे मैंने लगा दिया है तेल और मसाले वगैरह थोड़े से डालेंगे इसमें। प्याज नहीं डालेंगे, टमाटर नहीं डालेंगे। फिलिंग जो आप देख सकते हैं ये मैंने बना ली है। अब इसको रखेंगे मैं थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए। मैंने फिलिंग बनाई है, जब तक वो ठंडी होगी तब तक हम लोग जो है मैदे की गोल गोल बना के रख देंगे ताकि इजीली फिलिंग मैं उसमें भर सकूँ और हमारा काम फटाफट हो जाए। अब मैं इसको गोले बनाऊंगी। ये भी हो चुके हैं तैयार और फिलिंग भी हो चुकी है हमारी बिल्कुल ठंडी। अब इसको भरेंगे। And I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try. Aur taste karke batao mere ko. Haan. Ek bani? Ek number. Achi bani umma? Bahut badhiya. Mazedar. Bahut tasty hai. चलो अब हम खाते हैं अपनी कचौड़ी, उसके बाद आप लोगों को मिलता है। हम लोगों ने लंच में कचौड़ी वगैरह ही खाई है, बहुत अच्छी बनी थी, मुझे बहुत टेस्टी लगी थी। बट मैंने एक प्रॉब्लम कर दी कि मैंने ना सोडा नहीं डाला क्योंकि सोडे से वो फूल जानी थी अच्छे से, मतलब बिल्कुल देखने में बहुत अच्छी लगनी थी। बस यही गलती मेरे से होगी कि मैंने वो फुलाई नहीं, मैंने अच्छे से सोडा नहीं मैंने डाला। बाकी खाने में तो सेम वैसे ही टेस्ट लग रहा था, मतलब मज़ा आ गया। एडिटिंग हो चुकी है मेरी डन, 5 बजे से मैंने शुरू की थी करनी और 6 बज रहे अभी। क्या हुआ, एकदम से कैमरा ब्लर हो गया? सो एडिटिंग हो चुकी है मेरी डन, 5 बजे से मैंने शुरू की थी करनी और ये देखो 6 बज रहे अभी। ये क्या हुआ, एकदम से कैमरा ब्लर हो गया? तो आज करनी थी हमने किचन के लिए गार्डनिंग, बट बारिश इतनी तेज़ हो रही है कि मतलब जो हमने लगाए भी थे ना प्लांट्स वगैरह वो भी फुल भर गए, मिट्टी बाहर निकल गई। मतलब बहुत दबा के आज बारिश हो रही है, पता नहीं आज इतनी बारिश क्यों हो रही है। मेरे को थोड़ा सा हेयर केयर करने की भी ज़रूरत है और मैं इसमें ऑयलिंग वूलिंग करूँगी आज क्योंकि बहुत ज़्यादा रफ हुए पड़े हैं। वाला व्लॉग मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। होप आप सभी को अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल। I'm one and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want and I pray, I believe in the better days.